अगर आप एक न्यू इम्पोर्टर का कोई प्रोडक्ट इंपोर्ट करने का सोच रहे हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि चांसेस है कि इन पांच में से कोई ना कोई गलती आप भी कर दोगे जिसके चलते आपका ओवरऑल शिपमेंट बहुत ज़्यादा महंगा पड़ जाएगा या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप वो शिपमेंट कस्टम क्लियरेंस करा ही ना पाए और फिर बाद में वो कस्टम ऑप्शन में चली जाए मैं पिछले दस साल से ये काम कर रहा हूँ और मैंने कस्टम ऑप्शन के ऊपर बहुत सारी वीडियोज बनाई हैं और ये वही प्रोडक्ट होते हैं जो आपके जैसे न्यू इम्पोर्टर्स इम्पोर्ट करते हैं फिर किसी गलती के चलते वो कस्टम क्लियरेंस नहीं करा पाते और और कई सारे केसेस में उनका बाद में कस्टम ऑप्शन भी हो जाता है ये कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं है जो आपको बहुत इजीली इंटरनेट पे किसी वीडियो या ब्लॉग के माध्यम से मिल जाएगी इवन आपका सी एच ए एंड फेड फॉर्वर्डर भी इसके बारे में आप लोगों को नहीं बता पाएगा मैं अपने ऑन ग्राउंड एक्सपीरियंस के बेस पर यह बात कह रहा हूँ ये पाँच मिस्टेक सभी न्यू इम्पोर्टर कर देते हैं और सबसे अच्छी बात यह है कि ये बहुत ही ईजिली अवॉइडेबल है अगर आप लोगों को इसके बारे में पहले से ही पता चल जाए तो इनमें से थर्ड मिस्टेक को अवॉइड करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है और पांच तो इतना कॉमन है कि हर न्यू इम्पोर्टर कर देता है वैसे तो कहने को 11 शिपिंग टर्म्स होते हैं बट इनमें से प्रैक्टिकली सिर्फ पांच को यूज किया जाता है विच इज डी डी पी डीयू एक्स वक्स एफओबी एन सी आई एफ जब भी आप कोई प्रोडक्ट इंपोर्ट करोगे तो सप्लायर आपसे पूछेगा स्पेशली फॉर स्मॉल शिपमेंट्स फिर चाहे वो आप पर्सनल यूज के लिए करें या कमर्शियल यूज के लिए पर्सनल और कमर्शियल शिपमेंट का डिफरेंस मैंने फोर्थ पॉइंट में बताया है इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना जब भी आप इनिशियली कोई छोटा शिपमेंट इंपोर्ट करते हैं तो सप्लायर आपको जनरली दो ऑप्शन देता है विच इज डी डी पी एंड डी डी यू वैसे तो दोनों ही बहुत ज़्यादा सेफ है और इन दोनों के ही अंदर सारा काम सप्लायर करता है फॉर एग्जांपल चाइना में कस्टम क्लियरेंस कराना एयर फ्रेट अरेंज करना इंडिया में कस्टम क्लियरेंस कराना कस्टम ड्यूटी पे करना एंड आपके घर तक प्रोडक्ट को डिलीवर करना डी डी पी एंड डी डी यू में बस एक ही फ़र्क है विच इज़ डी डी यू के अंदर एट द टाइम ऑफ कस्टम क्लियरेंस इन इंडिया कस्टम ड्यूटी आपको पे करनी होती है एंड डी डी पी के अंदर कस्टम ड्यूटी भी आपका सप्लायर ही पे करता है यहां तक तो आप लोगों को सब बता देंगे बट यहाँ पे एक कैच है जो कि ज्यादातर तो लोगों को पता ही नहीं होता वो ये है कि डी डी पी शिपमेंट के अंडर आपका सप्लायर कस्टम ड्यूटी बचाने के लिए आपके प्रोडक्ट की वैल्यू को कम डिक्लेयर करता है जिससे कि उसको कस्टम ड्यूटी कम पे करनी पड़े बट इसमें आपको क्या फर्क पड़ता है आपको तो बस प्रोडक्ट डिलीवरी से मतलब है राइट देखो इंपोर्ट अगर आपने अपने पर्सनल नेम पे किया है तो आप लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए आपका सप्लायर कितना कस्टम ड्यूटी पे कर रहा है बट इन केस अगर आपने इंपोर्ट अपनी कंपनी के नाम पे किया है तो आप लोगों का जो बिल ऑफ एंट्री है वो नॉक ऑफ नहीं होगा क्योंकि आपका जो रेमिटेंस वैल्यू है जो आपने अपनी कंपनी के बैंक अकाउंट से भेजा है वो और आपका बीओ का वैल्यू मैच नहीं होगा जिसके चलते बाद में आरबीआई की तरफ से आपको नोटिस भी आ सकता है और आपका इम्पोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंस भी कैंसिल हो सकता है अब बड़े एंड कमर्शियल शिपमेंट के लिए आप लोग एक्सवक्स एफ ओ बी आई के साथ जा सकते हैं इन तीनों में ही सारा काम आपको करना पड़ता है एंड टू एंड शिपमेंट का मूवमेंट आपको करना पड़ता है फॉर एग्जांपल चाइना में ट्रांसपोर्टेशन करना ओरिजिन में कस्टम क्लियरेंस कराना सी फ्रेट अरेंज करना इंडिया में आने के बाद कस्टम क्लियरेंस कराना एंड ट्रांसपोर्टेशन अरेंज करके प्रोडक्ट को अपने फैक्ट्री या वेरहाउस तक लेके आना कमर्शियल या बड़ी शिपमेंट में आप लोगों को एक्स वक्त सी या एफ इसलिए चूज करना चाहिए क्योंकि इसके अंडर आप अपनी पूरी शिपमेंट का मूवमेंट बहुत ही अच्छी तरीके से ऑप्टिमाइज कर सकते हैं एंड ओवरऑल लैंडिंग कॉस्ट में अप टू थर्टी परसेंट तक सेव कर सकते हैं फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बारे में आप लोगों को पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है ताकि आप अपने प्रोडक्ट पर लगने वाले कस्टम्स ड्यूटी को कम कर सकें इंडिया का बहुत सारी कंट्रीज के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है और अगर आप इन कंट्रीज से कोई प्रोडक्ट इंपोर्ट करते हैं तो उस प्रोडक्ट पर लगने वाले कस्टम्स ड्यूटी पे आपको काफी अच्छी छूट मिलती है फॉर एग्जाम्पल एक प्रोडक्ट जिसका एच एस एन कोड है सेवेंटी थ्री जीरो एट फोर थाउजेंड उसको अगर आप चाइना से इम्पोर्ट करते हैं तो उस पर आपको फिफ्टी परसेंट बेसिक कस्टम ड्यूटी देनी पड़ेगी वही सेम प्रोडक्ट अगर आप वियतनाम जिसके साथ हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है वहाँ से इम्पोर्ट करते हैं तो उस पर आपको बी सी डी जीरो परसेंट देनी पड़ेगी एंड यहाँ पे आप लोगों को एक टेक्निकल बात पता होना और ज़्यादा ज़रूरी है कि ये जो पूरा कस्टम ड्यूटी है इसका मेजर पार्ट होता है बेसिक कस्टम ड्यूटी यानी बेसीडी और इसको अगर आपने बचा लिया तो आप ओवरऑल शिपमेंट की कॉस्ट को अप टू 50 परसेंट तक कम कर सकते हैं अपने कंपटीशन के मुकाबले ये तो बात हुई कस्टम ड्यूटी कम करने की बट वो तो तब होगा ना जब आपका माल सही सलामत इंडिया तक पहुंचेगा हो सकता है कि शिप डूब जाए कंटेनर में पानी भर जाए एयरप्लेन क्रैश हो जाए या लोडिंग एंड लोडिंग के टाइम पे आपका गुड्स डैमेज या खो जाए जो कि बहुत ही ज़्यादा कॉमन है इंटरनेशनल ट्रेड में एंड इसी चीज़ से बचने के लिए आप लोगों को मिस्टेक नंबर थ्री बिल्कुल भी नहीं करना मिस्टेक नंबर थ्री जो हर इम्पोर्टर करता है वो है अपने गुड्स का इंश्योरेंस ना कराना जब भी आप कोई प्रोडक्ट इंपोर्ट करते हैं तो आपको भी उसका इंश्योरेंस जरूर कराना चाहिए किसी भी और इंश्योरेंस की तरह इंश्योरेंस भी आप लोगों को पीस ऑफ माइंड एंड फाइनेंशियल सिक्योरिटी देता है इन केस ऑफ एनी अनसर्टेनिटी यहां पर लोगों को यह लगता है कि हमारा शिपमेंट तो एयर से आ रहा है और सात दिन में हमारे पास पहुंच जाएगा तो इंश्योरेंस की क्या ही जरूरत है बट यहां पर आप लोगों को यह समझने की जरूरत है कि इंश्योरेंस सिर्फ प्लेन के क्रैश या शिप के डूबने को ही नहीं कवर करता है आपके गुड्स के एंड टू एंड जर्नी को कवर करता है ट्रांजिट इंश्योरेंस आपके कार्गो के लॉस डैमेज डेमे सभी चीजों को कवर करता है माना कि एयरप्लेन के क्रैश होने की या शिप के डूबने की प्रॉब्रिटी बहुत कम है बट आपका जो गुड्स है वो सप्लायर की फैक्ट्री से आपके वेयरहाउस तक आने के बीच में कई सारे ऑपरेशन के अंडर से गुजरता है जैसे कि ओरिजिन ट्रांसपोर्टेशन ओरिजिन पोर्ट हैंडलिंग ओरिजिन कस्टम क्लियरेंस शिप ट्रांजिट लोकल पोर्ट हैंडलिंग लोकल कस्टम क्लियर एंड लोकल ट्रांसपोर्टेशन इन सभी के बीच में आपके गुड्स को बहुत बारी पैक एंड अनपैक किया जाता है जिसके चलते उनके खोने या डैमेज होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं एंड ऐसे सिनेरियो में आपका मरीन इंश्योरेंस बहुत ज्यादा काम आता है और इसी इंश्योरेंस की टेंशन को खत्म करने के लिए पिक्चर में आता है पॉलिसी बाजार फॉर बिजनेस इनके थ्रू लिया गया ट्रांजिट इंश्योरेंस जिसको मरीन इंश्योरेंस भी कहा जाता है वो आपके गुड्स की एंड टू एंड जर्नी को सेफ करता है फिर चाहे वो शिप एयर रेल या रोड से हो मरीन इंश्योरेंस आपको प्रोटेक्शन देता है फ्रॉम फायर एक्सप्लोजन सिंकिंग थेफ्ट थे ट्रेंडिंग वर टर्निंग एंड इसको मैन्युफैक्चर होलसेलर रिटेलर इंपोर्टर्स एक्सपोर्टर्स एंड लॉजिस्टिक्स कंपनी कोई भी ले सकता है पॉलिसी बाजार फॉर बिजनेस मरीन इंश्योरेंस प्रीमियम को कंपेयर करके आप अपू फोर्टी टू परसेंट तक सेव करते हैं अनसर्टन इंसिडेंट पॉलिसी बाजार फॉर बिजनेस की तरफ से आप लोगों को एक डेडिकेटेड रिलेशनशिप मैनेजर मिलता है जो आपके पूरे क्लेम प्रोसेस को बहुत ही इजी बनाने में मदद करता है ताकि आपको टाइमली रियंबर्समेंट मिले पॉलिसी बाजार फॉर बिजनेस से इंश्योरेंस लेने के लिए आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक को क्लिक करके इनकी वेबसाइट को विजिट करना है अपनी शिपमेंट की डिटेल डालनी है एंड इंस्टेंटली लीडिंग इंश्योरेंस से कोर्ट कंपेयर करके जो भी आपके शिपमेंट के अकॉर्डिंग बेस्ट सूट करे उसको ले लेना है पॉलिसी बाजार फॉर बिजनेस से इंश्योरेंस लेने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि ये आप लोगों को खुद को इंश्योरेंस नहीं बेच रहे हैं ये आप लोगों को मल्टीपल लीडिंग इंश्योरेंस के कोटेशन एक ही प्लेटफॉर्म पे दिखा देते हैं ताकि आप अपने शिपमेंट के अकॉर्डिंग बेस्ट सूटिंग इंश्योरेंस ले सके तो कोई भी प्रोडक्ट इंपोर्ट करने से पहले उसका इंश्योरेंस जरूर कराए एंड पॉलिसी बाजार फॉर बिजनेस को एक बार जरूर ट्राई करें जब भी कोई न्यू इंपोर्टर इंपोर्ट करता है तो उसको यह समझ नहीं आता कि पर्सनल इंपोर्ट और कमर्शियल इंपोर्ट में क्या फर्क है एंड क्या पर्सनल इंपोर्ट पे भी कस्टम ड्यूटी देनी पड़ती है तो जब भी आप कोई प्रोडक्ट पर्सनल नेम पे इंपोर्ट करते हैं यानी आपकी कोई कंपनी नहीं है एंड कमर्शियल इन्वॉइस पे बायर के सामने आपका नाम लिखा है तो उसे पर्सनल इंपोर्ट कहा जाता है आप जो भी प्रोडक्ट पर्सनल नेम पे इंपोर्ट करते हैं वो एके एच एस कोड में फॉल करता है विच इज नाइनटी एट जीरो फोर एक्सेप्ट ये वाले प्रोडक्ट्स आप जो भी प्रोडक्ट पर्सनल नेम पे इंपोर्ट करते हैं उस पर आपको 42.08 परसेंट कस्टम ड्यूटी पे करनी होती है विच इंक्लूड जीएसटी अब कमर्शियल इंपोर्ट होता है जहां पे आपके पास एक कंपनी है आईसी है जीएसटी है एंड आपने सप्लायर को जो है अपनी कंपनी के करेंट अकाउंट से पेमेंट की है एंड एट द टाइम ऑफ इम्पोर्ट कमर्शियल इन्वाइस पे बायर के सामने आपकी कंपनी का नाम लिखा है उसे कमर्शियल इम्पोर्ट कहा जाता है एंड एट द टाइम ऑफ कस्टम क्लियरेंस यहाँ पे आप लोगों को अपना आई सी जीएसटी पैन एंड कंपनी के दूसरे के डॉक्यूमेंट्स देने पड़ेंगे कमर्शियल इंपोर्ट में कस्टम ड्यूटी प्रोडक्ट कौन से एचएसएन कोड में फॉल करता है उसके अकॉर्डिंग देनी होती है साथ साथ अगर कोई एक्स्ट्रा सर्टिफिकेशन है जैसे कि बी आई एस एल एम पी सी डब्ल्यू वो भी आप लोगों को देना होगा एट द टाइम ऑफ कस्टम क्लियरेंस यहाँ पे पर्सनल इंपोर्ट के दौरान एक बात का और ध्यान रखना आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है कि आप पर्सनल इंपोर्ट पे एक साथ सौ दो सौ क्वांटिटी इंपोर्ट नहीं कर सकते अब जो भी जितना भी इंपोर्ट करें वो कस्टम ऑफिसर को ये लगना चाहिए कि पर्सनल यूज़ के लिए ही इंपोर्ट किया जा रहा है फॉर एग्जाम्पल हो सकता है कि आपने कोई ऐसी मशीनरी इंपोर्ट कर ली जिसको यूज़ करने के लिए प्रॉपर सेटअप और मैन पावर चाहिए और कमर्शियल लेवल पर ही यूज़ हो सकती है तो उस केस में उसको पर्सनल इंपोर्ट नहीं कंसिडर किया जाएगा एंड कमर्शियल इंपोर्ट के अकॉर्डिंग आप लोगों को कस्टम्स ड्यूटी एंड सर्टिफिकेशन देना पड़ेगा जब भी आप कोई प्रोडक्ट इंपोर्ट करते हैं स्पेशली शुरुआती चार पांच शिपमेंट के दौरान जहां पे आप एक न्यू सप्लायर के साथ डील कर रहे हैं और आप लोगों को नहीं पता कि सप्लायर कितना जेनवइन है ऐसे सिनेरियो में एक सबसे बड़ा फ्रॉड या मिस्टेक जो सप्लायर कर देते हैं वो ये है कि आप लोगों को सैंपल कुछ दिखाया जाता है और एक्चुअल शिपमेंट में कुछ और भेज देते हैं अब इस चीज को अवॉइड करने के लिए आप लोगों को सबसे पहला काम ये करना है कि आप एक हंड्रेड परसेंट जेनविन सप्लायर को चूज करें एंड एक जेनविन सप्लायर को चूज करने के लिए आप लोगों को कुछ चीजें हैं जो ध्यान में रखना बहुत ज्यादा जरूरी है जैसे कि सप्लायर कितना पुराना है उसकी क्या रेटिंग्स हैं क्या रिस्पॉन्स टाइम है अली बाबा पे मोर देन एक लाख पचास हजार एक्टिव सप्लायर है एंड यहाँ पे एक जनवन सप्लायर को चूज कर पाना कभी कभी एक बड़ा टास्क हो जाता है एंड इसी को टैकल करने के लिए मैंने एक वीडियो बनाया है जो कि आई बटन डिस्क्रिप्शन में है उसको आप देख सकते हैं जहाँ पे मैंने एक मिनी कोर्स बनाया है ऑन हाउ टू इम्पोर्ट फ्रॉम अली अब आपको एक जनविन सप्लायर मिल गया उसके बाद भी आप लोगों को एक चीज मेक श्योर करनी है कि आपकी शिपमेंट का अपडेट आपको टाइम टू टाइम फोटोज और वीडियोज के माध्यम से मिलता रहे फॉर एक्जाम्पल जैसे जैसे वो शिपमेंट की प्रोडक्शन आगे बढ़ती रहेगी आपका जो भी पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है वो आपको फोटो भेजेगा वीडियो कॉल करेगा वीडियोज़ भेजेगा कन्वेयर बेल्ट की फैक्ट्रीज़ की प्रोडक्शन uh, प्रोसेस की पैकिंग की जिससे कि आपको मेक श्योर sure हो कि ये सप्लायर जो जनवन है और आपका जो प्रोडक्ट का क्वालिटी है वो भी बिल्कुल सही सलामत है ये सारी चीज़ें आप लोगों को ऑर्डर प्लेस करने से पहले ही अपने पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट के साथ क्लियर कर लेनी है एंड अगर आपका सप्लायर जनवन है तो वो दे वो वो मोर देन हैप्पी टू शेयर ऑल दिस फोटोज एंड वीडियोज़ एंड लाइव वीडियो कॉल्स क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे उन लोगों को अपना सेल्स बढ़ाना है सेल्स टारगेट पूरा करना है एंड रिपीट कस्टमर्स बढ़ाने हैं ये वो पांच मिस्टेक्स थे जिनको अवॉइड करके आप बहुत ही आसानी से इंडिया में अपना सक्सेसफुल इंपोर्ट बिजनेस शुरू कर सकते हैं और उसको बहुत लंबे समय तक चला सकते हैं तो वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि इस चैनल पर मैं इस तरह के इम्पोर्ट एक्सपोर्ट रिलेटेड टेक्निकल वीडियोज़ लाता रहता हूँ मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद